तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो। साल 2023 बॉलीवुड सितारों के लिए जबरदस्त रहा, जहां कुछ बड़ी फिल्मों ने दर्शकों को एंटरटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वहीं कुछ ओटीटी शो ने भी दर्शकों के दिल में अपनी जगह बनाई है। और इसी के साथ कुछ बॉलीवुड सितारों ने अपना रुख ओटीटी की तरफ किया और ओटीटी पर अपना जबरदस्त डेब्यू किया। जी हाँ, शाहिद कपूर हो या करीना कपूर हो, इन सितारों ने भी साबित किया है कि वो सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि ओटीटी शो में भी मास्टर स्टॉक खेल सकते हैं। बात करते हैं करीना कपूर की। एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने इस साल नेटफ्लिक्स फिल्म जाने जान से अपना ओटीटी डेब्यू किया है। बता दें कि इस क्राइम थ्रिलर में एक्टर्स के साथ विजय वर्मा और जयदीप हलवंता ने भी एक्टिंग करते हुए नजर आए थे। अब देखना ये है कि करीना कपूर का ओटीटी कैरियर कितना सफल होता है। चीनी थोड़ी ज्यादा है। खैर, तो प्रेजेंट करता हूँ, कभी खुशी कभी गन। पू बन जाती है पुलिस और छुपाती है गन अपनी हील्स में। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी गिल्टी लगो। हाउ डेयर यू। वहीं दूसरी बातें हैं सोनाक्षी सिन्हा की। इस साल रिलीज हुई क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज दहाड़ में एक्टर सोनाक्षी सिन्हा ने अपना ओटीटी डेब्यू किया है। एक्टर्स को पुलिस वर्दी में सोनाक्षी सिन्हा को देख सभी फैंस चौंक गए थे। फ्लॉलेस वेब सीरीज में एक्टर्स के काम की काफी तारीफ भी हुई है। नंबर 3 पे आते हैं मनीष पॉल। टीवी फिल्म और वेब सीरीज मनीष पॉल ने हर एरिया में अपना अभिनय हुनर को साबित किया है। जी हाँ, एक्टर ने साल 2023 में ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई वेब सीरीज रफू चक्कर से अपना डेब्यू किया है। बता दें कि इस सीरीज में दर्शकों ने उनके रोल को काफी पसंद किया है। रॉय कपूर। एक्टर आदित्य रॉय कपूर ने वेब सीरीज द नाइट मैनेजर से अपना ओटीटी डेब्यू किया है। इस सीरीज में एक्टर ने वाकई बेहद बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। इस साल इस सीरीज के दूसरे सीजन भी रिलीज हो गया है। बता दें कि ये सीरीज अमेजॉन प्राइम पर भी उपलब्ध है। नंबर 5 पे आते हैं शाहिद कपूर। साल 2023 में रिलीज हुई वेब सीरीज फर्जी दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हुई। बता दें कि इस सीरीज ने ही एक्टर शाहिद कपूर से अपना ओटीटी डेब्यू किया है। इस सीरीज में शाहिद कपूर को दर्शकों ने काफी पसंद किया है और बेसब्री से इस सीरीज को दूसरे सीजन का भी इंतजार हो रहा है। इसे आप अमेज़न प्राइम पे भी देख सकते हैं।